हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटेप। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। अब एक पारी समाप्त हो चुकी है आप लोगों की, मतलब सीटेट खत्म हो चुका है, दूसरी पारी की शुरुआत है। दूसरी पारी में हम लोग कह सकते हैं कि जैसे आप केवीएस एनवीएस इन सभी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर होने वाला है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। बिल्कुल बेसिक से हम लोग फिर से मैथ पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं और किस किस एग्जाम के लिए ये लेक्चर इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम आपने सीटेट में भी पढ़ा होगा, ठीक है, पेपर वन वालों ने भी पढ़ा होगा, पेपर टू वालों ने भी पढ़ा होगा, लेकिन नंबर सिस्टम से कहां कहां पे और क्वेश्चन पूछे जाते हैं और थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर मैं एग्जाम की बात करूं तो केवीएस पीआरटी, स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है लास्ट ईयर क्या हुआ था, पीआरटी और टीजीटी का सिलेबस चेंज हुआ था। तो टीजीटी में लास्ट ईयर मैथ नहीं आया था। इन केस अगर इस साल टीजी वैकेंसी आती है, केवीएस की नोटिफिकेशन आती है, जिसके चांसेस है कि केवीएस की नोटिफिकेशन आए और उम्मीद लगाई जा रही है कि सितंबर 10 सितंबर तक नोटिफिकेशन आ सकती है केवीएस की, तो उसके लिए भी हम लोग तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जब नोटिफिकेशन आएगी तभी हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, उतना टाइम नहीं मिल पाएगा, इसीलिए अभी से हम लोग तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। अगर इस साल टीजीटी में केवीएस टीजीटी की अगर मैं बात करूं, अगर मैथ डालता है तो मैथ में नंबर सिस्टम से क्वेश्चन तो फिर पूछेगा ही पूछेगा। क्लियर है आप सभी लोगों को? चलिए, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक वन, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में भी मैं बहुत सारी चीजें कराने वाला हूं, क्या कराने वाला हूं वो मैं भी बताऊंगा और किस तरीके से आपको मिलेगी सारी चीजें, वो सारी बात हम लोग डिस्कस करेंगे और बहुत सारी नई नई चीजें यहां पे डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। तो लेक्चर वन रहेगा आज इंफॉर्मेशन ऑफ नंबर्स। कुछ स्टूडेंट्स ने पहले भी पढ़ा होगा इंफॉर्मेशन ऑफ नंबर्स, मैंने पढ़ाया भी है, लेकिन मैंने पहले ही बता दिया है आपको कि मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चलने वाला हूं और बहुत कुछ यहां पर आप लोगों को कराने वाला हूं, बिल्कुल जीरो से हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। तो ये नहीं सोचना कि हमने पहले पढ़ा है, ये करा है, दोबारा पढ़िए सारी की सारी चीजें एकदम नई एनर्जी के साथ, ठीक है। तो ये मैंने एग्जाम में बता दिया है, केवीएस पीआरटी और यूपी टेट, जिन लोगों का यूपी टेट का पेपर है उसके लिए भी ये सारे लेक्चर बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि जैसे हमने सी टेट में टाइम एंड वर्क नहीं पढ़ा था, लेकिन अब हम टाइम एंड वर्क भी पढ़ेंगे, टाइम स्पीड डिस्टेंस को भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। मतलब जो टॉपिक वहां पे रह गए थे वो तो हमने अच्छे से कवर करने ही है, और जो ऑलरेडी पढ़े थे उनका थोड़ा सा और एडवांस वर्जन देखना है। क्लियर? चलिए स्टूडेंट्स, तो अब की बार हमारा क्या रहेगा कि केवीएस यूपी टेट एडुटेप के साथ क्लियर करना है हम सबने, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे, अगर लेक्चर अच्छा लगे, क्योंकि इसकी सीरीज मैं बना रहा हूं, नंबर सिस्टम लेक्चर वन, फिर लेक्चर टू, लेक्चर थ्री, लेक्चर फोर, इस तरीके से कम मैं कोशिश करूंगा कि 4 से 5 लेक्चर मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊं, बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर मिलने वाले हैं, ठीक है। और अगर आपको लेक्चर अच्छे लगे तो आप ये काम करना मत भूलिएगा कि वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है, ये रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं केवीएस या यूपी टेट की, इवन अगर सीटेट की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आप जरूर शेयर करें, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सीटेट की तैयारी कितनी अच्छी हम लोगों ने कराई थी। कमेंट करके मुझे बताएं, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दें, ठीक है, वीडियो देखने से पहले, देखने के बाद कर दें या पहले कर दें, कमेंट जरूर करें। जो आपके मन में डाउट है, जो दिल में डाउट है, वो मुझे जरूर बताएं। आजकल हम लोग यूट्यूब पे जो कमेंट है उनका रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है, लेकिन हम सारे कमेंट पढ़ते हैं, अपने स्टूडेंट्स का हम बहुत ध्यान रखते हैं। अगर वो कोई क्वेरी करता है तो उसका आंसर देने की भी कोशिश की जाती है, अगर वो कोई डिमांड करता है कि इस तरीके से आप चैप्टर करा दीजिए तो उस चीज को भी हम लोग ध्यान में रखते हैं, ठीक है। जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें। क्लियर है? इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई है, बाकी सारा काम मैं करूंगा। अगर मैथ की बात करें तो ये 4 काम आपने करना है, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब। स्टूडेंट्स, मैं एक चीज और बता देता हूं कि हमने पूरा प्लान बना लिया है आप लोगों को पढ़ाने के लिए, यूट्यूब प्लान मैं बता देता हूं। मैथ की अगर मैं बात करूंगा तो मैथ में एक वीडियो आपको मंडे को मिलेगी, मंडे को, ठीक है, और एक वीडियो मिलने वाली है आपको वेडनेसडे को, ठीक है, मंडे एंड वेडनेसडे। अब अगर रीजनिंग की बात करें तो काफी हद तक रीजनिंग भी मैं ही करा रहा हूं आप लोगों को, तो रीजनिंग जो है फ्राइडे को एक लेक्चर आपको मिलेगा, फ्राइडे को सबसे पहला लेक्चर मिलने वाला है सीरीज का,
क्योंकि सीरीज के अगर आप लोग क्वेश्चन देखेंगे पीआरटी में या टीजीटी में जो रीजनिंग पूछी जाती है, पहले पीआरटी में 40 नंबर की रीजनिंग थी, अब घटा के 10 नंबर की रीजनिंग कर दी गई है। टीजीटी में 40 नंबर की रीजनिंग आती है और उस 40 नंबर में से कम 8 से 10 क्वेश्चन सीरीज के पूछे जाते हैं। सीरीज में भी हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, ठीक है, नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज बहुत पढ़ने वाले हैं। बहुत अच्छी तैयारी हमने भी कर ली है और बहुत अच्छी तैयारी आपने भी करनी है। तो आप सभी लोग रेडी हैं, चलिए हम आपके साथ हैं, आप हमारा साथ दें, बिल्कुल जम के मेहनत करेंगे और पेपर बिल्कुल करेक्ट करेंगे पक्का, ठीक है, हम बहुत मेहनत करने वाले हैं। तो ये चार काम आप याद रखना, ठीक है, इन्हें नहीं बोलना। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम बिल्कुल जीरो से, बेसिक से, जैसे आपने टैगलाइन देखी होगी, डरना मना है मैथ से, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप, कैसे हैं आप सभी लोग, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी पूरी जी जान से कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है हमारा नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम सबसे बड़ा टॉपिक है, नंबर सिस्टम सबसे बड़ा टॉपिक है और सबसे बेसिक टॉपिक है। आपके एग्जाम में यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं और बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, आप बहुत ईजिली उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। अब नंबर सिस्टम के अंदर हमने पढ़ना क्या क्या है उस पर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं, थोड़ा ध्यान देते हैं, थोड़ा प्रकाश डालते हैं। तो देखो, नंबर सिस्टम में सबसे पहले पढ़ना है हमने इंफॉर्मेशन ऑफ नंबर्स, नंबर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, इंटीजर्स क्या है, रियल नंबर क्या है, रैशनल क्या है, इरेशनल क्या, होल नंबर्स क्या, परफेक्ट नंबर्स क्या, ये सब पता होना चाहिए। तो इंफॉर्मेशन ऑफ नंबर्स में हम नंबर्स के बारे में पता करेंगे कि इवन क्या, ओड क्या, प्राइम क्या, को प्राइम क्या, ये अलग अलग नंबर्स के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है, बिल्कुल जीरो से चलने वाले हैं। अपना पेन कॉपी उठा लीजिए, प्यारे प्यारे हाथों से बहुत प्यारे प्यारे नोट्स बनाइए, खूबसूरत नोट्स जो आपको रिवीजन में बहुत काम आएंगे, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ने वाले प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, यहां से कभी कभार एक क्वेश्चन पूछ लेता है। इसके बाद पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ बार, कॉन्सेप्ट ऑफ बार क्या होता है, ठीक है, बार कई तरह के होते हैं लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ बार की बात होगी, मैथमेटिक्स वाले, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट मतलब पावर का खेल यहाँ पे समझेंगे हम लोग। इसके बाद करेंगे प्राइम फैक्टर, फैक्टर क्या होते हैं, तो प्राइम फैक्टर क्या होते हैं वो सब जानेंगे हम यहाँ पे। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट के क्वेश्चन अलग अलग तरीके बनते हैं, हम हर तरीके क्वेश्चन करने वाले हैं यहाँ पे। कुल मिला के बहुत लंबा टॉपिक होने वाला है लेकिन एक भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं छूटने वाला। उसके बाद करेंगे कन्वर्जन ऑफ यूनिट, यूनिट्स को कन्वर्ट कैसे करते हैं, किलोमीटर को मीटर में कैसे करेंगे, मिलीमीटर में कैसे करेंगे, किलोग्राम को मिलीग्राम में कैसे करेंगे, लीटर को मिलीलीटर में कैसे करेंगे, ये सब चीज हम लोग यहां पे सीखने वाले हैं, आर्स को सेकंड में चेंज करना, बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो कुल मिलाकर आपके नंबर सिस्टम में ये सारी की सारी चीजें रहने वाली है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। थोड़ा लंबा चैप्टर होगा, मैंने पहले ही बता दिया है आपको, नोट्स जरूर बनाएं, ठीक है। इंफॉर्मेशन ऑफ नंबर्स, आपको नंबर्स के बारे में तो जरूर पता ही होना चाहिए क्योंकि आपके क्वेश्चंस में इसी तरीके के आएगा कि 2 को प्राइम नंबर्स है, कुछ इस तरीके से कहानी देगा आगे, तो नंबर्स के बारे में नहीं पता होगा तो फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो ये सारे बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें हैं, आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा। बेस का मतलब क्या है कि बेस हर कोई क्या बोलता है, मैथ उसे अच्छा समझ में आएगा जिसका बेस स्ट्रांग, और बेस स्ट्रांग ये कोई नहीं बताएगा कि ये बेस है क्या, ये बेस यही है कि इन सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए, हर टॉपिक का बेस आपको पकड़ में आ जाए कि टॉपिक है क्या, क्यों पढ़ना है, कहां से शुरू हुआ है, क्यों हुआ है, ये चीजें पता चल जाए, उसे ही तो बेस बोलते हैं। क्लियर है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कहां से, इंफॉर्मेशन ऑफ नंबर से, क्लियर है। चलिए, तो हमारा वीडियो वन रहने वाला है या लेक्चर वन आप कह सकते हैं नंबर सिस्टम के ऊपर, इंफॉर्मेशन ऑफ नंबर बहुत डिटेल में बताने वाला हूं। चलिए चलिए स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं सबसे पहले नंबर्स के बारे में। तो आप देख रहे हैं ये वीडियो वन है और ये लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन ऑफ नंबर्स। अब यहाँ पे मैं कुछ नंबर्स के बारे में जल्दी जल्दी आपको थोड़ा बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे रियल नंबर्स की, उसके बाद नेचुरल नंबर्स की, फिर होल नंबर्स की, फिर इंटीजर्स की, फिर इवन ओड की, काफी सारे नंबर्स की हमने बात करनी है। तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे, रियल नंबर्स की। देखो, क्वेश्चन कभी नहीं आएगा आपके पास कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए। आएगा तो 2+2 भी नहीं, ठीक है, लेकिन हमें पता होना चाहिए क्योंकि ये हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं, ठीक है।
तो रियल नंबर्स की बात करें, अब ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है आपके सामने, इसे हम लोग बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर लाइन। याद रखना, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर लाइन। क्लियर हो गई बात आपको? अब ये जो नंबर लाइन आपको दिख रही है, इसमें यहां पे क्या है, जीरो, इधर क्या है, पॉजिटिव, इधर क्या है, निगेटिव। तो याद रखना, नंबर लाइन में इधर की तरफ हमेशा पॉजिटिव में चीजें चलेगी, और जीरो से लेफ्ट साइड, जीरो, जीरो को बेस मानते हुए, जीरो से लेफ्ट साइड की तरफ क्या चलेगा, हमेशा निगेटिव वैल्यूज चलेगी। इतनी बात समझ में आई या नहीं है? तो ये सारे ही नंबर देखो, कहां से लेकर निगेटिव से लेकर फिर जीरो को इंक्लूड करते हुए और पॉजिटिव तक, ये सारे ही नंबर क्या कहलाएंगे, रियल नंबर कहलाएंगे। इतना याद रखना। और रियल नंबर में जो फ्रैक्शंस होंगे वो भी इंक्लूड होते हैं, रियल नंबर में जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो भी इंक्लूड होती है। फ्रैक्शन वैल्यू कैसे, जैसे 1/2, तो 1/2 कहां आएगा, 0 और 1 के बीच में। भाई 1/2 का मतलब क्या होता है, 0.5। इतनी बात समझ में आई या नहीं है? या मैं कह दूं -3/4, आप कुछ भी कह दीजिए, मतलब फ्रैक्शन में भी अगर है तो भी वो क्या कहलाएगा, रियल नंबर कहलाएगा, जिसे काउंट किया जा सके, जिसे पढ़ा जा सके, जिसे गिना जा सके। जैसे अगर यहां पे बात करें कि 4.7, ये भी क्या है, एक रियल नंबर है। अगर मैं पाई की बात करूं, पाई, पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। बात समझ में आई या नहीं आई? तो ये भी क्या है, एक रियल नंबर है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की। अब किसकी बात करते हैं, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इतना याद रखना, नेचुरल नंबर काफी इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखना। अब जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, ये जो नंबर लाइन दिख रही है आपको, ये जो नंबर लाइन दिख रही है, और इस नंबर लाइन से अगर मैं इधर के नंबर की बात करूं, मतलब कौन से नंबर की बात करूं, पॉजिटिव नंबर्स की अगर मैं बात करूं, तो ये क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। पॉजिटिव नंबर्स मतलब जीरो नहीं है यहां पे, याद रखना, नेचुरल नंबर में जीरो नहीं है, क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये क्या है, हमारे नेचुरल नंबर है। बात समझ में आई? इसमें क्या है, जीरो नहीं है, और ना ही क्या है, माइनस है। तो नेचुरल नंबर्स क्या हुए, ना तो माइनस होगा ना जीरो होगा, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर होंगे। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, ये क्या कहलाएंगे, नेचुरल नंबर्स। क्लियर हो गई बात आपको? अब बात आती है होल नंबर्स की। दूसरा, नेचुरल नंबर में कोई फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं आ रही है, नेचुरल नंबर में फ्रैक्शन में नहीं होगा, क्लियर है। अब जो होल नंबर्स है, जो होल नंबर्स है वो होते तो नेचुरल नंबर्स ही है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इतना याद रखना, ठीक है। होते तो ये भी क्या है, नेचुरल नंबर है, लेकिन बस क्या होता है, जीरो इंक्लूड हो जाता है, जीरो क्या हो जाता है, इंक्लूड हो जाता है। तो होल नंबर क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से। बात समझ में आई? अगर मैं कोई कह दे आपको कि 1/2 इज ए होल नंबर, तो आप कहेंगे नहीं, नो, ये होल नंबर नहीं है। बात समझ में आई? मतलब जब बात फ्रैक्शन में आ जाएगी तो वो होल नंबर नहीं होगा। बात क्लियर है या नहीं है? सबसे छोटा होल नंबर क्या होता है, जीरो। क्लियर है आपको? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई आपको कह दे कि क्या पाई होल नंबर है, आप कहेंगे नहीं, पाई होल नंबर नहीं है, पाई होल नंबर नहीं है। लेकिन अगर कोई कह दे आपको कि 257 इज ए होल नंबर, बिल्कुल सही, क्योंकि ना तो कुछ पॉइंट में है ना फ्रैक्शन में है, 257 एक होल नंबर है, ये याद रखना भाई, होल नंबर आगे काम आने वाला है, एक एक चीज इसलिए बताते हुए चल रहा हूं, क्लियर। अब बात आती है इंटीजर्स की। अब किसकी बात आती है, इंटीजर्स की। इंटीजर्स क्या है तो क्या रियल नंबर ही, लेकिन बस फ्रैक्शन नहीं आएगा। मतलब किस तरीके से, अब ध्यान से सुनो। अब अगर यहां पे मैं एक नंबर लाइन आपके सामने इस तरीके से ड्रॉ कर दूं, और ये है जीरो, ये क्या है यहां पे, जीरो। आपको पता है उस तरफ क्या चलेगा, पॉजिटिव, क्या चलेगा, पॉजिटिव, और इस तरफ क्या चलेगा, निगेटिव, क्लियर। अब देखो यहां पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से अगर मैं लिख दूं, ठीक है,
5, 6 और यहाँ पे -1, -2, -3, -4 और -5 इस तरीके से। तो ये क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं, लेकिन इसमें कोई फ्रैक्शन नहीं आएगा। रियल नंबर में क्या है कि फ्रैक्शन फ्रैक्शन सब कुछ इंक्लूड होगा, लेकिन इंटीजर्स में फ्रैक्शन नहीं आएगा, ना ही पॉइंट में आएगा। ये बात नोट करके लिख लीजिए, ठीक है। अब अगर बात मैं इंटीजर्स की और डीपली करूं थोड़ा, ठीक है, चलिए ठीक है, थोड़ा सा और डीप में अगर मैं जाऊं कहां पे इंटीजर्स में, ठीक है, तो इंटीजर्स दो तरह के होते हैं। एक तो होगा क्या, अगर यहां पे मैं लिख रहा हूं, आप भी लिखते हुए चलना, पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर्स। अब पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे? जो पॉजिटिव नंबर है, जैसे 1, 2, 3, 4 इस तरीके से सब पॉजिटिव है। एक होता है हमारा निगेटिव इंटीजर्स। क्या होता है? निगेटिव इंटीजर्स, ठीक है जी। अब निगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, इसके बारे में तो आपको पता है। अभी जीरो नहीं आया है, निगेटिव मतलब आपने निगेटिव ही लेना है, -1, -2, -3, -4 इस तरीके से। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई। अब बात आती है किसकी? जीरो की। अब क्या आया? जीरो। तो जो जीरो है वो क्या कहलाएगा? उसे मैं कह सकता हूं नॉन निगेटिव इंटीजर। बात समझ में आ रही है? क्या कह सकते हैं? नॉन निगेटिव इंटीजर्स। क्लियर है? निगेटिव नहीं है। तो ये क्या आया मेरा? क्या आया? इंटीजर्स के बारे में। उम्मीद है आप लोगों को पता चल गया होगा। क्लियर है? इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना? कोई दिक्कत? आप पहले इसे नोट करके लिख लीजिए। चलिए सारी चीजें लिख ली सारी चीजें आपने, आगे चले फिर। कोई यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं है ना? चलिए आगे चलते हैं, फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब आगे कुछ नंबर्स के बारे में समझते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है क्या क्या है भाई? रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर्स। कभी कभी रैशनल नंबर से क्वेश्चन आ सकता है। अब आपको क्या पता होना चाहिए कि भाई रैशनल नंबर्स होते क्या है? अब याद, इधर देखो ध्यान से, रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो क्योंकि क्यू कहां आ रहा है? डिनोमिनेटर में। और आपको पता है अगर किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में जीरो है तो वो वैल्यू हमेशा क्या बनती है? इनफाइनाइट। क्यों बनती है? इसका जिक्र आगे करेंगे। ये तो मैं छोटी छोटी चीजें हैं, सारी बताते हुए चलूंगा। तो किसी के भी डिनोमिनेटर में अगर जीरो है, अगर मान लीजिए ऐसा कुछ है 5/0, तो ये एक रैशनल नंबर नहीं है क्योंकि ये क्या बन रहा है? इनफाइनाइट। मतलब ये अगर पी है तो ये क्यू होगा, लेकिन क्यू तो यहां पे जीरो है, जबकि क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। इतनी बात समझ में आई? इसीलिए ये रैशनल नंबर नहीं होगा। तो आपको पता चल गया कि रैशनल नंबर क्या होते हैं? कोई डाउट नहीं है? चलिए वेरी गुड, अगर कोई डाउट नहीं है तो आगे चलते हैं। तो रैशनल नंबर क्या होगा? जिसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सके और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि भाई बताइए ये जो 5 है, 5 क्या है? रैशनल है, इरेशनल है, क्या है? तो आप कहेंगे कि इसे तो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख ही नहीं रहे। लिख रहे हैं, बिल्कुल। इसके डिनोमिनेटर में क्या है? 1। हर एक नंबर के डिनोमिनेटर में 1 होता है। अगर कहीं पे x लिखा है तो इसका मतलब इसके डिनोमिनेटर में भी 1 है। लेकिन डिनोमिनेटर में अगर 1 है तो उसका कोई फायदा नहीं होता लिखने का, इसीलिए वो लिखा नहीं जाता, याद रखना। अगर मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है 529, तो इसके भी डिनोमिनेटर में 1 है, इसके डिनोमिनेटर में भी 1 है। और आप देखिए ये किसकी वैल्यू हो गई? पी की। और ये किसकी हो गई? क्यू की। तो P upon Q की फॉर्म में आ गया ना, जबकि Q is not equals to zero। अगर ये P है तो ये क्या आ गया? Q आ गया। ये P है तो ये क्या आ गया? Q आ गया। बात समझ में आई या नहीं आई? तो अब थोड़ा आइडिया लगा कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। वो नंबर जिन्हें P by Q की फॉर्म में लिख सके, वो नंबर हमारे क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर कहलाते हैं। अब यहां पे ध्यान से सुनते हुए चलना, बहुत अच्छी अच्छी डेफिनेशन है यहां पे इसकी। अब यहां पे ध्यान से सुनो। अब अगर देखो एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं आपसे कहता हूं
कि पाई क्या है, पाई रैशनल है या इरेशनल है। तो आंसर क्या देते हैं, काफी स्टूडेंट्स सीधा आंसर देते हैं कि सर पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 22/7, यही होती है। और ये इसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख रहे हैं, इसीलिए ये एक रैशनल नंबर है, इसीलिए क्या, एक रैशनल। अभी ध्यान से सुनना, लेकिन स्टूडेंट्स याद रखना ये बात गलत है। ये बात क्या है, गलत। हमेशा याद रखना हमेशा कि पाई इज ए फेमस इरेशनल नंबर, पाई इज ए फेमस इरेशनल नंबर, लिख लेना ये बात। एक फेमस इरेशनल नंबर है, ऐसा क्यों उसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं अभी। लेकिन सबके दिमाग में क्या जाएगा कि भाई 22/7 है, दिखाई नहीं दे रहा, कैसे दिखाई तो दे रहा है भाई, लेकिन ये इरेशनल नंबर है और क्यों है वो अब आपको दिखाई देगा। देखो ध्यान से सुनो, इसे हटा दूं, चलिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पाई रैशनल है या इरेशनल है, और काफी बड़े बड़े एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है यहां पे। अब यहां पे ध्यान से सुनो, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। अब अगर मैं आपको एक बात कहूं कि भाई 1/3 ये क्या है, ये एक रैशनल नंबर है। ये कौन सा नंबर है, एक रैशनल नंबर। अभी ध्यान से सुनते हुए चलना, बहुत बढ़िया बात बताओ, ये क्या है, रैशनल नंबर। अब मुझे आप एक बात बताओ कि भाई 1/3 का मतलब अगर मैं सॉल्व करने लगूं, 1/3 को सॉल्व करने लगूं, तो क्या जीरो, देखो जीरो लगाया पॉइंट, यहां पे जीरो आ गया, तो फिर क्या ये 3 3 3 इस तरीके से आएगा या नहीं आएगा, ऐसे ही चलता चला जाएगा। अब ये हटा रहा हूं मैं, तो 1/3 का मतलब कुछ ऐसे है या नहीं है। अब कुछ ऐसे है तो क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता, 0.3 के ऊपर बार। आपको पता है ना कि अगर 0.x के ऊपर बार है तो इसका मतलब है 0.x मतलब x बार बार आया है, बार से मतलब बार बार आया है। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, क्लियर। अब अभी ध्यान से सुनना सारी चीजें। अब जब 1/3 एक रैशनल नंबर है तो इसका मतलब ये भी एक रैशनल नंबर होगा, ये भी एक रैशनल नंबर होगा। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई। अगर ये एक रैशनल नंबर है तो ये भी एक रैशनल नंबर होगा, ये भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। मतलब जहां पे भी बार आ जाए, जहां पे भी बार आ जाए वो हमेशा ही एक रैशनल नंबर होगा, ये याद रखना, वो हमेशा ही एक रैशनल नंबर होगा। मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि 0.97 के ऊपर बार, तो आप क्या कहेंगे कि ये कौन सा नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है। क्यों है, क्योंकि जैसे अभी आपने देखा कि भाई 0.3 के अगर ऊपर बार है तो इसका मतलब 1/3 होता है, इसका मतलब क्या होता है, 1/3 होता है। क्लियर हुई बात या नहीं हुई, बताइए, कोई डाउट इसमें। इसके बार का तो एक कॉन्सेप्ट अलग है, मैंने बताया है, उसमें मैं सारी चीजें बताने वाला हूं, लेकिन बस अभी दिमाग नहीं दौड़ाना ज्यादा। कभी आप सोचो बार का भी यही बता दे, अरे टाइम लगेगा, पहले ये समझो कि ये क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है। कब, कौन, जहां पे क्या जाए, बार। अब यहां से क्या चीज सीखने को मिली, थोड़ा सा अगर हम और गहराई में जाए तो यहां से हमें क्या चीज सीखने को मिली। अब आप एक बात देखिए, जीरो के बाद एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, 0.3333333, ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। यहां पे भी क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, आप सुनना ध्यान से, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 0.9797 हो रहा है या नहीं हो रहा है। बार का मतलब बार बार आना, जिसके ऊपर बार है मतलब वो बार बार आ रहा है। तो यहां पे भी आप देख रहे हो कि एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, मतलब जहां जहां पे पैटर्न फॉलो होता है, जहां जहां पे रिपीटेशन होता है, चीजें रिपीट होती है, वो हमेशा एक रैशनल नंबर कहलाता है। जैसे यहां पे देखो, अभी और एग्जांपल सुनो, अगर मैं एक और एग्जांपल यहां पे देने लगूं कि 0.123 क्या है, रैशनल है कि इरेशनल, रैशनल, क्योंकि एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो रैशनल, नहीं हो रहा है तो इरेशनल।
क्लियर ना? अब यहां पे सुनो, देखो यहीं से तो चीजें निकली है सारी। अब मैं इसे हटा रहा हूं, अब मैं इसे हटा रहा हूं, नोट्स बना ले, ठीक है, साथ में लिखते हुए चले, ठीक है, पहले पूरा पढ़े फिर अपने नोट्स बनाए, ठीक है। चलिए अब यहां पे ध्यान से इधर 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 देखना है आपने। अब मैं बात करता हूं कि भाई 0.12896213 4 5 क्या कोई ये बताएगा कि ये कौन सा नंबर है? क्या कोई ऐसी चीज है जो बार बार रिपीट हो रही है? क्या कोई पैटर्न है? नहीं है। जो मन हुआ वो नंबर आ गया। तो इस तरह के नंबर, इस तरह के नंबर हमेशा ही क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर। हमेशा ही क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर। ये बात समझ में आई या नहीं आई? हमेशा ही क्या कहलाते हैं? इरेशनल। तो रैशनल और इरेशनल एक साथ पता चल गया, एक साथ पता चल गया, नहीं चल गया? अभी ध्यान से सुनो, और अभी बात खत्म नहीं हुई। अब आप कहेंगे कि सर तो फिर आपने पाई के बारे में गलत क्यों बताया? अरे बिल्कुल सही बताया था। ये जो 22/7 होती है ये कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, ये कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, याद रखना, ये कभी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। जो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है वो क्या होती है? 3.14, इसके बाद रिपीट होती चली जाती है, पता नहीं कहां तक, क्या 6 7 5 2 3 5 4 1 कुछ इस तरीके से। बात समझ में आ रही है? अब पॉइंट के बाद आप देख रहे हो कि कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, ना कोई पैटर्न बन रहा है, इसीलिए तो ये क्या नंबर कहलाता है? इरेशनल नंबर कहलाता है। बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है? क्या कहलाता है? इरेशनल नंबर कहलाता है। अभी सुनना इधर ध्यान से और चीजें सुन, यहां से नंबर पूछता, यहां से क्वेश्चन पूछता है भाई जरूर, इसीलिए तो बता रहा हूं। आपको कहे कि अंडर रूट फोर रैशनल है या इरेशनल है, तो आप कहेंगे कि सर अंडर रूट फोर का मतलब होता है 2, और 2 को लिख सकते हैं 2/1, तो इसीलिए एक रैशनल नंबर है, इसीलिए क्या है? ये एक रैशनल नंबर। मैं कहूंगा ठीक है। अब ये बताइए कि अंडर रूट 9, आप कहेंगे कि सर 3 और 3/1 लिख सकते हैं, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि रूट थ्री बताइए क्या है? रूट थ्री एक इरेशनल नंबर है। क्या है? इरेशनल नंबर। क्योंकि आप मुझे ये बताइए, कि क्या रूट थ्री की कोई परफेक्ट वैल्यू आएगी? क्या कोई होल नंबर आएगा? नहीं आएगा। 1 पॉइंट के आगे चलती चली जाएगी कहानी। मतलब याद रखना, यहां पे मैं हटा रहा हूं, ठीक है, लिख लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है, नहीं लिखा होगा तो बैग जाके लिखिए, ठीक है, लेकिन लिखते हुए चलिए। तो यहां पे अभी मैं बता रहा हूं, अगर कोई नंबर कुछ इस तरीके से लिखा है, ठीक है, इस तरीके से, और एक्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर, एज एक्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? जैसे 4 9 4 2 का स्क्वायर, 9 3 का, 16 25 36 49 81 100 121। बात समझ में आ रही है ना? मतलब जैसे अगर मैं कहूं कि भाई 121, तो आप कहेंगे कि इसका होता है 11। तो अंडर रूट 121 क्या हुआ? एक रैशनल नंबर हुआ, ठीक है। अब ये क्या हुआ? एक ये पूरा नंबर क्या हुआ? एक रैशनल नंबर। लेकिन कब? जब x परफेक्ट स्क्वायर है। अगर ऐसा लिखा हुआ है और x is not a परफेक्ट स्क्वायर, लिखते हुए चल रहे हैं ना, परफेक्ट स्क्वायर, x जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये जो नंबर है ये क्या होगा? एक इरेशनल नंबर होगा। ये क्या होगा? एक इरेशनल नंबर, ठीक है। पूरी कहानी समझा दी आपको, क्या होगा? एक इरेशनल नंबर होगा। कोई डाउट बताइए? अब तो कोई डाउट नहीं है, अभी एक डाउट आएगा जरूर आएगा, ठीक है। चलिए बताता हूं क्या आएगा, पता है मुझे। चलिए
तो डाउट क्या आएगा अगर अगर ऐसा लिखा है क्यूब रूट फोर। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि सर रैशनल है, लेकिन मेरे भाई ये क्यूब रूट है, यहां पे अगर यहां पे अंडर रूट होता तो ये रैशनल होता, लेकिन ये क्यूब रूट है तो ये रैशनल नहीं है। लेकिन अगर ऐसा है कि क्यूब रूट 27, क्यूब रूट 27 और क्यूब रूट 27 की वैल्यू क्या होती है 3, तो ये एक रैशनल नंबर है। अब उम्मीद है कि अब क्लियर हो गया होगा कि रैशनल और इरेशनल क्या होते हैं, रैशनल और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। अब क्लियर है, दिमाग कुछ खुला, ठीक है। चलिए यही तो बेसिक चीजें हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, उम्मीद है सारी चीजें समझ में आ रही होगी। अब बात आती है प्राइम की, कोई डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूं, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं, अब अगर मैं आपके सामने एक सीरीज लिखूं, आपको पता भी होगा, आपने पढ़ा भी होगा प्राइम नंबर क्या होते हैं। मैं आपके सामने सीरीज लिख रहा हूं एक, ठीक है, क्या 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, इस तरीके से आगे लिखता हुआ जा रहा हूं मैं, ठीक है। प्राइम नंबर वो होते हैं, क्या होते हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर वो होते हैं जो या तो खुद से डिविजिबल हो या वन से, ठीक है, जो कि खुद से डिविजिबल हो या वन से। तो प्राइम नंबर, अब ध्यान से सुनना, प्राइम नंबर क्या हुआ, या तो खुद से डिविजिबल हो या वन से। मतलब प्राइम नंबर वो नंबर होंगे जिनके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर होंगे, जिनके सिर्फ और सिर्फ कितने फैक्टर होंगे, 2 फैक्टर। बात समझ में, जैसे अगर मैं आपको कहूं कि भाई 6 प्राइम नंबर है क्या, तो 6 किस किस से डिवाइड होता है, 6 वन से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी, और खुद 6 से भी। ये बात समझ में आ रही, 1 से तो हर कोई डिवाइड होता है, तो इसीलिए इसे हटा दो। तो जो 6 है वो 2 से भी डिवाइड होगा पूरा, 3 से भी डिवाइड होगा और 6 से भी डिवाइड होगा, क्लियर है। इसके कितने फैक्टर आ गए, 3, इसके कितने फैक्टर आ गए, 3 फैक्टर। अगर 3 फैक्टर आ गए तो ये प्राइम नंबर नहीं है। अब समझ में आया प्राइम नंबर क्या होता है। अगर मैं आपको कहूं कि 29 इज ए प्राइम नंबर, तो आप कहेंगे 29 के 2 ही फैक्टर है, या तो ये 1 से डिवाइड हो रहा है या ये 29 से डिवाइड हो रहा है। इसके 1 भी ले सकते हैं आप, उससे कोई दिक्कत नहीं, 1 से तो और कोई डिवाइड होता है। तो इसीलिए प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो 1 से डिवाइड हो या खुद से डिवाइड हो। तो आप देख रहे हो कि 1 से डिवाइड हो रहा है और 29 से, बाकी कोई ऐसा नंबर है जो इसे कंप्लीटली डिवाइड कर दे, नहीं है, है नहीं ना, ठीक है। तो इसी तरीके से जो मैंने नंबर आपके सामने लिखे हैं, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे एक गलती है, आपसे पूछता है वो क्वेश्चन, इसीलिए मैं थोड़ा सा फंसा रहा हूं आपको, ठीक है। इधर ही देखो, अब मैंने आपके सामने एक सीरीज लिखी कि भाई ये सारे प्राइम नंबर है, 23 प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं कि प्राइम नंबर है या नहीं है, उसकी भी बात करेंगे, लेकिन पहले पता तो चले कि प्राइम नंबर होता क्या है। सुन, 23 प्राइम नंबर है, बिल्कुल है, 1 से डिवाइड हो गया है 23 से, 19 भी, 17 भी, 13, 11, 7, 5। अब मुद्दा आता है कि अगर मैं आपको ये कह दूं कि द फर्स्ट प्राइम नंबर इज, आपको मैं क्या कह दूं, द फर्स्ट प्राइम नंबर, द फर्स्ट प्राइम नंबर इज, कि पहला प्राइम नंबर क्या होगा, आपको नीचे ऑप्शन दे देगा, क्या क्या दे देगा, 0, फिर क्या दे देगा 1, फिर क्या दे देगा 2, और फिर ऑप्शन दे देगा 3। बताइए कि पहला प्राइम नंबर कौन सा है। और बहुत सारे स्टूडेंट किस पे लगाते हैं, 2 पे, और कहेंगे कि 2 प्राइम, जो सेकंड ऑप्शन जो है, सेकंड ऑप्शन क्या है, 1, कह देंगे कि जो 1 है वो पहला प्राइम नंबर है। लेकिन यहां पे आप गलत हैं, 1 प्राइम नंबर नहीं होता, 1 प्राइम नंबर नहीं होता, क्योंकि अगर मैं 1 की बात करूं तो 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है 1, कोई दूसरा फैक्टर तो नहीं होता। और मैंने बताया प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होने चाहिए और 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, जबकि 2 के 2 फैक्टर होते हैं, 2 के 2 फैक्टर 1 और 2। बात समझ में आई, बात पल्ले पड़ी, ठीक है। तो ये आंसर क्या होगा, गलत।
तो सही आंसर क्या है? 3। तो अब याद रखना या लिख लीजिए, द फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2। पहला प्राइम नंबर क्या है? 2। ये देखो बड़ा बड़ा लिख दिया है, लिख लीजिए पहला प्राइम नंबर 2 होता है। अब मान लीजिए मैं ये कह दूं आपको कि मुझे ये बताइए कि 1 से लेकर 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? 1 से लेकर 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, यहां पे बताइए मुझे फटाफट से, ठीक है? तो 1 से लेकर 50 तक 15 प्राइम नंबर होते हैं। 1 से लेकर 50 तक 15 प्राइम नंबर होते हैं। 1 से लेकर 100 तक 25 प्राइम नंबर होते हैं। ये मैं यहां पे लिख रहा हूं प्राइम नंबर, कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है इसीलिए पता होना चाहिए। 1 से लेकर 200 तक 46 प्राइम नंबर होते हैं, ये पता होना चाहिए। 1 से लेकर 200 तक 46 प्राइम नंबर होते हैं। और अगर आपको ये पूछ ले कि ये बताइए कि 50 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर हैं, कितने आदमी थे, अगर ये पूछ ले तो क्या कहेंगे कि 1 से लेकर 50 तक तो 15, 1 से लेकर 100 तक 25, 25 में से 15 चला गया तो 50 से लेकर 100 तक कितने होंगे? 10। बात समझ में आई या नहीं है भाई? 1 से लेकर अगर मैं यहां पे आपको ऐसे समझाऊं, अगर मैं आपको ऐसे समझाऊं कि 1 से लेकर अगर 1 से लेकर 50 तक बात करें, या 50 यहां पे ले लो बीच में कहीं, 1 से लेकर 50 तक कितने हैं? 15। और 1 से लेकर 100 तक कितने, अगर बात देखें यहां से 1 से लेकर 100 तक तो अगर कितने हैं 1 से लेकर 100 तक? 25। तो यहां से यहां तक कितने बचेंगे ये बताइए। अब एक बात बताओ, ये वाली लाइन तो 15 की है, ये वाली लाइन 25 की है, तो ये लाइन कितने की बची? 25 में से 15 माइनस कर दो, 10 की। तो 50 से लेकर 100 तक 10 प्राइम नंबर होते हैं, नोट कर लो। कर लिया, गुड। अब प्राइम नंबर कैसे, वो मैं बता रहा हूं कि थोड़ी देर में बात करने वाले हम लोग, पहले नंबर्स खत्म हो जाए फिर मैं बताऊंगा कि हाउ टू फाइंड द नंबर इज प्राइम और नॉट, ठीक है? द गिवन नंबर इज ए प्राइम नंबर और नॉट, ठीक है? क्वेश्चन पूछता है भाई, ठीक है? चलिए अब बात आती है को प्राइम की। अब बात किसकी आ रही है? को प्राइम की। याद रखना ये बहुत काम आएगा आपको, को प्राइम नंबर्स, ठीक है? होते तो ट्विन प्राइम नंबर भी है लेकिन उनकी हम लोग बात नहीं कर रहे, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उसी की बात करेंगे हम लोग, ठीक है? ट्विन को प्राइम नंबर वो कोई मतलब नहीं है, डेफिनेशन आपको मिल जाएगी उसकी भी, लेकिन एग्जाम में आपके नहीं आता है तो उसके लिए ज्यादा भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है? देखो अभी तक हमने जितने नंबर्स की बात की वो एक, जैसे प्राइम नंबर 7 है प्राइम नंबर है, 11 है प्राइम नंबर है, सिर्फ एक ही नंबर के बारे में बात हो रही है। यहां पे बात होगी पेयर की, यहां पे किसकी बात होगी? पेयर की, ठीक है? एक पेयर की बात होगी, मतलब एक नंबर की बात नहीं होगी, एटलीस्ट 2 नंबर होने चाहिए, ठीक है? एटलीस्ट कितने नंबर होंगे? 2 नंबर, मतलब 2 नंबर का क्या होगा? कंपैरिजन। बात समझ में आई? अब को प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं, वो 2 या 2 से ज्यादा नंबर, 2 से ज्यादा होंगे उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो 2 या 2 से ज्यादा नंबर जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, ठीक है? मैं लिख भी देता हूं, वो नंबर्स जिनका कोई अपना सगा नहीं है, जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। अब इसका क्या मतलब हुआ भाई कि जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता? अब सुनो, मैं आपके सामने 2 नंबर लिखता हूं, 6 और 14, ठीक है? और मैं ये पूछता हूं कि क्या ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं? अब आप एक बात देखिए कि 6 किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से, और 14 भी 2 से, मतलब इनका जो कॉमन, अगर बात करूं इनका कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 2। अभी मैं बताऊंगा मल्टीपल और फैक्टर के भी डिफरेंसेस बताऊंगा बहुत डिटेल में, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा आ रहा है तो इतना समझ में आना चाहिए। मतलब फैक्टर मतलब जो डिवाइड करता है, 6 जो है वो 2 से भी डिवाइड होता है और 14 भी 2 से डिवाइड होता है, मतलब ये को प्राइम नंबर नहीं है।
अब एक बात देखो, 7 और 9, क्या ये इनमें कोई ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर दे? अब आप कहेंगे 3, भाई 3 तो 9 को डिवाइड कर रहा है, क्या 7 को भी डिवाइड कर रहा है? नहीं। कोई ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है? आप कहेंगे हाँ जी एक है, कौन? 1। तो को प्राइम नंबर्स वही नंबर्स होते हैं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? 1। वो नंबर्स जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? 1, वो क्या कहलाते हैं? को प्राइम नंबर्स। जिस तरीके से अगर बात करूं मैं यहां पे, ठीक है, अब एक एग्जांपल और अगर आपके सामने ले लूं मैं और आपको कहूं कि 24 और 32, ये क्या को प्राइम नंबर है? ये एलसीएम एचसीएफ में बहुत काम आएगा, इसीलिए इतना जोर दे रहा हूं। तो क्या 24 32 को प्राइम नंबर है? आप कहेंगे नहीं है, इनका तो कॉमन फैक्टर कौन कौन है? 2, इसे भी डिवाइड कर रहा है, इसे भी। 4, इसे भी डिवाइड कर रहा है, इससे भी। 8, इसे भी डिवाइड करेगा, इसे भी। आप देख लो भाई, 8 24 को 3 बार कट कर देगा पूरा पूरा, 32 को कट कर देगा 4 बार पूरा पूरा, तो को प्राइम नंबर कहां से हुआ? लेकिन अगर यहीं पे मैं एक एग्जांपल दे दूं आपको, एक एग्जांपल और ले लें यहां पे, अगर मैं कह दूं कि 24 और 29, तो क्या कोई एक ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता हूं? है क्या? सोचा, 2 तो इसे डिवाइड कर रहा है, इसे तो नहीं कर रहा है। 3 तो इसे डिवाइड कर रहा है, इसे नहीं कर रहा है। 4 इसे डिवाइड कर रहा है, इसे नहीं कर रहा। बात समझ में आई या नहीं आई? तो ये क्या है? को प्राइम नंबर है, क्योंकि इन दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या है? 1। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, बहुत डिटेल में बता रहा हूं क्योंकि यही बेसिक है, यही काम आएगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट नंबर्स के बारे में और समझते हैं। अब बात आती है स्टूडेंट्स परफेक्ट नंबर की। परफेक्ट नंबर के ऊपर, ठीक है, टेट के एग्जाम में तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम में भी यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है परफेक्ट नंबर क्या होता है। अच्छा, इवन और ऑड बताने की जरूरत तो नहीं है। इवन नंबर्स क्या होते हैं भाई, बताइए? इवन नंबर्स होते हैं जो 2 से डिविजिबल हो, जो 2 से क्या हो? डिविजिबल। जैसे क्या? 2, 8, 4, 10, 12। याद रखना, 0 is also a prime number, even number। कई बार पूछा जाता है कि 0, अगर मान लो कोई आपसे जनरली पूछ ले कि 0 क्या है, इवन है कि ओड है, अब आप क्या जवाब देंगे? 0 एक इवन नंबर है, ठीक है। और ओड नंबर क्या होते हैं? जो 2 से डिविजिबल ना हो। और नंबर क्या होते हैं? जो 2 से डिविजिबल ना हो। किससे डिविजिबल ना हो? 2 से, ठीक है। चलिए, जैसे 1, 3, 19, 21, 27, 1997, कुछ भी हो सकता है। जो 2 से डिविजिबल ना हो वो ओड होते हैं, जो हो जाए वो इवन होते हैं। मेन पॉइंट था कि 0 इज आल्सो ए इवन नंबर। क्लियर है, याद रहेगा? चलिए, तो ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये तो जरूर याद रहनी चाहिए आपको, ठीक है, इसके बिना नहीं काम चलेगा भाई। ऐसे आगे चलते, चलिए अब बात करते हैं परफेक्ट नंबर की, कि परफेक्ट नंबर क्या होता है। वो चीज यहां पे थोड़ा अच्छे से सुनना, मतलब मान लीजिए आपके सामने कोई एक नंबर है एक्स, आपके सामने एक नंबर है एक्स। अब मैं कहता हूं कि x के जो फैक्टर्स हैं, अगर बात की जाए x के फैक्टर्स, फैक्टर का मतलब जो x को डिवाइड कर रहे हैं, x को क्या कर रहे हैं? डिवाइड। सुनना ध्यान से, पूरी कहानी जब खत्म हो जाएगी आपकी उंगलियों पे होगा सब कुछ। x के जो फैक्टर है वो मैं कह देता हूं a है, b है, c है, x भी होगा भाई। जो नंबर है वो अपना फैक्टर तो जरूर होगा या नहीं होगा, लेकिन मैंने ये एक्स इंक्लूड नहीं करना। मतलब यहां से ये बात समझ में आ गई आपको कि जो नंबर है वो इंक्लूड नहीं होना चाहिए किसमें? फैक्टर में। अगर इफ ध्यान से देखना, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू एक्स है, इक्वल्स टू क्या है? एक्स। तो x हमेशा ही एक परफेक्ट नंबर होगा। ये इंटरव्यू में भी तो पूछ सकता है, इसलिए तो बता रहा हूं मैं। अब आप कहेंगे कि सर बात पल्ले नहीं पड़ी, हवा में चली गई। कोई बात नहीं है, ऐसे कैसे हवा में चली गई? इधर सुनो, कोई एक नंबर है मान लीजिए आपके सामने 4, कोई एक नंबर है आपके सामने 4।
अब 4 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, 4 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, 4 के जो फैक्टर्स हैं वो सोचिए क्या क्या होते हैं। तो 4 के जो फैक्टर होता है वो क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, इसके अलावा कोई और फैक्टर है नहीं। लेकिन अभी बताया वो नंबर इंक्लूड नहीं करना, मतलब मैं 4 को नहीं लूंगा। अब जो फैक्टर है उनका सम देखो, 1 + 2 कितना आ रहा है, 3। 1 + 2 कितना आ रहा है, 3। 4 तो नहीं आ रहा। अगर 1 + 2 4 हो जाता, अगर ऐसा कुछ होता तो ये क्या होता, एक परफेक्ट नंबर होता। लेकिन अभी एक परफेक्ट नंबर नहीं है। एक और एग्जांपल सुनो, अभी भी बात पल्ले नहीं पड़ी, 6। अब 6 के फैक्टर जरा दिमाग में सोचना भाई, फटाफट से, लेट नहीं करना अपने। तो 6 का फैक्टर 1 है, 2 है, 3 है और 6 भी है। लेकिन 6 को बार बार कह रहा हूं इंक्लूड नहीं करना, जो नंबर है उसे मत इंक्लूड करो। अब आप देखो 1 + 2 + 3 क्या बना, 6। मतलब उस नंबर के फैक्टर्स का जो सम है, जो सम है वो भी वही नंबर बन रहा है। तो क्या हो जाएगा, वो एक परफेक्ट नंबर हो जाएगा। अगर उसके फैक्टर का सम भी वही नंबर बन रहा है तो वो एक परफेक्ट नंबर हो जाएगा। अगर मैं एक एग्जांपल और ले लूं, 8, तो 8 के फैक्टर 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा। तो अगर मैं 1 + 2 + 4 करूं तो ये कितना बन रहा है, 7। तो इसीलिए परफेक्ट नंबर नहीं है। लेकिन अगर यहीं पे मैं एक एग्जांपल ले लूं, 28, तो 28 का फैक्टर 1, 2 कितना होगा, 4, 7, 14। कोई बचा तो नहीं है ना। 28 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 41 हो जाएगा। और अगर मैं 1 + 2 + 4 + 7 + 14 करूं तो क्या ये 28 बन रहा है, नहीं बन रहा है, बताओ। और अगर 28 बन रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, एक परफेक्ट नंबर है। बताओ समझ में ये बात या नहीं है, इसमें कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी। आगे चलते हैं, एक कॉन्सेप्ट और अच्छा समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। या अभी क्या करते हैं कि इंफॉर्मेशन ऑफ नंबर्स को एक अलग वीडियो में रहने देते हैं। इतनी तो बात क्लियर है ना, तो ये एक अलग वीडियो है। मतलब यहाँ पे आपका वीडियो 1 होता है कंप्लीट, यहाँ पे आपका वीडियो 1 होता है कंप्लीट, ठीक है। अब करेंगे वीडियो 2 की बात, बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताने वाला हूँ वीडियो 2 में भी, ठीक है। चलिए वीडियो 2 देख लेते हैं। अब इतना तो आपने क्या करना है, अब ध्यान से सुनो, पहले वीडियो 1 तो कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स, तो वीडियो 2 देखने से पहले ये सारी की सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, वीडियो 2 उसके बाद ही देखनी है। बहुत सारे नंबर सिस्टम के अंदर बहुत सारे लेक्चर बनने वाले हैं, मैंने पहले बताया था आपको। उम्मीद है आज आपके दिमाग के तार खुले होंगे और आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे समझ में आई होगी स्टूडेंट्स। तो ये वाली वीडियो यहीं पर खत्म होती है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा रेस्ट करें, ठीक है। अगर एक साथ साथ पूरी वीडियो देखिए तो रेस्ट करें, पानी वानी पी लें, उसके बाद वीडियो 2 कंटिन्यू करें, ठीक है। बहुत मजा आने वाला है। चलिए, थैंक यू सो मच।